कहते हैं एक बार गुरु के पास जाओ। गुरु महाराज क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय के अंदर ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा। और फिर क्या होता है, उसको प्राप्त करने के बाद, क्योंकि इस ज्ञान से तुम देख सकोगे कि सारे जीव क्या है, ये न भूतान्य शेषेण, ये जितने भी जीव हैं वो भगवान कहते हैं दृक्यस्यात्मन्यथो मई, वो मेरे हैं। जब तुम्हें ये पता चलेगा कि सब मेरे हैं, तो फिर तुम कभी किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करोगे, कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करोगे, किसी को गलत नहीं सोचोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे। जब तुम्हें ये पता चल गया कि ये सब मेरे हैं, जीव को सारे जीवों के साथ मेरे संबंध को समझना। आगे भगवान इसको बहुत डिटेल से बताते, 15.7 में भगवान कहते हैं ममैव अंश जीवलोके, जितने भी जीव हैं वो क्या है, मेरे जीव हैं, मेरे ही अंश हैं। जब आप सब भगवान के अंश हैं, तो किसी के साथ क्या द्वेष करना, तो किसी के साथ क्या नफरत करनी, तो किसी की क्या निंदा करनी। जिस कृष्ण से तुम प्रेम करते हो वो भी तो उसी का अंश है ना? और हम उसी का, हम दूसरों का दिल तोड़ के कितना खुश होते हैं, दूसरों को दुखी करके कितना खुश होते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कैसे तोड़ देते हैं उस दिल को जिसमें कृष्ण रहते हैं, और हम दावा करते हैं कि हम कृष्ण से प्यार करते हैं।